प्रश्न है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/5 बार अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं, 40 है, और 40 का 1/5 अंग्रेजी पसंद करते हैं, कुल का यानी 40 का 2/5 गणित पसंद करते हैं और शेष विज्ञान को पसंद करते हैं। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। अ वाला अंग्रेजी पसंद करने वाले विद्यार्थी, कितने विद्यार्थी, कुल का यानी 40 का 1/5, 40 का हटेगा तो गुणा लगेगा 1/5, और 5 का भाग 40 में चला जाता है तो दे दीजिए 5 एकम 5, 5 9 8 40, तो क्या प्राप्त हुआ, 8 × 1 यानी 8 एकम 8, 8 विद्यार्थी अंग्रेजी पसंद करते हैं। ब वाला क्या प्रश्न है, ब वाला है कितने विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं, तो गणित पसंद करने वाले विद्यार्थी कुल का यानी 40 का 2/5 गणित पसंद करते हैं, तो 40 का हटेगा तो गुणा लगेगा 2/5, और 5 एकम 5, 5 9 8 40, तो क्या बचा, 8 × 2 यानी 8 × 2 = 16 विद्यार्थी गणित पसंद करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं, यानी वो भाग पता करना, हिस्सा पता करना है कि कितने विद्यार्थी विज्ञान पसंद करते हैं। सर, तो विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेते हैं, तो पहले तो विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थी कुल विद्यार्थी कितने हैं, कुल विद्यार्थी हैं 40, 40 में से 8 तो अंग्रेजी पसंद करते हैं और 16 गणित पसंद करते हैं, यानी इनको दोनों को जोड़ देंगे, 40 में से घटा देंगे, तो विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी, यानी 40, 8 और 16 होंगे 24, और 40 में से 24 गए तो कितने बचे, 16, है ना, ये विद्यार्थियों की संख्या आई। लेकिन पूछा क्या है, कितना भाग विज्ञान पसंद करते हैं, अतः विज्ञान पसंद करने वाले विद्यार्थियों का कुल भाग या हिस्सा, कुल कितने हैं, 40 बच्चे हैं, 40 में से 16 बच्चे विज्ञान पसंद करते हैं, कुल भाग यानी कुल बच्चे हैं 40 और 40 में से 16 विद्यार्थी विज्ञान पसंद करते हैं, यानी 16/40, और भाग चला जाएगा ऊपर, 8 का 8 दूनी 16 और 8 5 40, तो क्या प्राप्त हुआ, 2/5 विद्यार्थी यानी 40 का 2/5 हिस्सा विज्ञान पसंद करते हैं। ठीक है, आशा है आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। वीडियो यहां तक देखा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।